इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ और INN7 में आप सभी का खैर मकदम है। कहर कोरोना का जारी, पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े और मौतों के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। कभी एक आध दिन कम आते हैं तो इत्मीनान जरूर होता है, पर फिर इजाफा होता दिखाई देता है। आज फिर 400 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए गए तो डिस्चार्ज भी 460 हुए। अब जब रोज सैकड़ों की तादाद में मरीजों का इजाफा होता जा रहा है तो कानून और उसूल हिदायत भी बदले जा रहे हैं। जब कोरोना की शुरुआत थी तब एक आध मरीज किसी गांव मोहल्ले में पाया जाता तो पूरा गांव सील डाउन करके सैनिटाइज किया जाता था, पर बढ़ते मरीजों के मद्देनजर सिर्फ उस गली को सील डाउन किया जाने लगा। फिर 100 मीटर के फासले का कानून नाफिज किया गया। अब नए कानून के मुताबिक पॉजिटिव मरीज जिस घर में पाया जाता उस घर को सिर्फ लॉकडाउन किया जाएगा, सील डाउन किया जाएगा। रियासती वजीर आर अशोक ने नए कानून के मुताबिक हिदायत देते हुए कहा कि जिस घर में पॉजिटिव मरीज पाया जाएगा सिर्फ उस घर को ही सील डाउन किया जाएगा। वाज़ह रहे कि गली मोहल्ले सील डाउन करने की वजह से और बढ़ते कंटेनमेंट जोन चलते सवारियां और ट्रैफिक की परेशानी से आवाम को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लिहाजा इस फैसले को लिया गया। ऐसा वजीर रियासत आर अशोक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। उन्होंने यह भी कहा कि गली को सील डाउन करने से तमाम कारोबार भी बंद रखने पड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों का मसला सुलझने को तैयार नहीं। अब तो कुछ लोगों ने पूरे साल को ही स्कूल को बंद करने का मशवरा हुकूमत को दिया है, पर अब तक किसी तरह का फैसला लिया नहीं गया। बच्चों पर भी जहनी दबाव साफ नज़र आ रहा है। कभी छुट्टी से खुशी से उछलने वाले बच्चे इतनी सारी छुट्टियों से ऊब चुके हैं, वहीं घरों में भी बच्चों की स्कूलों को लेकर मुख्तलिफ राय देखी जा रही है। अक्सर लोगों ने स्कूलों को जल्दी शुरू करने का मुतालबा किया है। वही सुप्रीम कोर्ट ने NEET JEE इम्तहान पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कोरोना के लिए जिंदगी की रफ्तार को थाम नहीं सकते, जितने कारोबार शुरू हो सकते हैं बेहतर है, ऐसा भी कहा। लिहाजा इम्तहान सितंबर में होंगे। वाजा रहे कि कोरोना के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर NEET JEE इम्तहान को मुलतवी करने की अर्जी दाखिल की गई थी जिसे रद्द किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला ले रहा है और अगर कह रहा है कि जितना मुमकिन हो सके रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहे तो स्कूलों को जल्द शुरू करने में हर्ज क्या है। वैसे भी बच्चे जितना स्कूल में पढ़ते लिखते हैं घरों में नहीं कर सकते और ऑनलाइन पढ़ाई एक तरह से नाकाम है, लिहाजा स्कूलों को जल्द शुरू किया जाए ताकि बच्चों को मियारी तालीम हासिल हो सके। दो दिन से धीमी बारिश से बाढ़ के हालात काबू में, मुसलसल गिरती बारिश की वजह से बाढ़ के हालात रुनमा हुए थे। घरों में पानी, खेतों की फसल पानी में, सड़कों पर पानी और कई जगहों पर नदियां उफान पर होने से गांव के डूबने के खतरे बढ़ चुके थे। बेलगाम शहर में भी चारों तरफ पानी नजर आ रहा था। कांग्रेस रोड ने तालाब की शक्ल इख्तियार कर ली थी। बेलगाम के अतराब में कई मकानात ढह गए। मोहल्लों में दाखिल होते पानी के मद्देनजर बेलगाम कारपोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ पनागाहों का इंतजाम किया गया था। एक शिकायत आवाम की जानिब से यह भी रही कि स्मार्ट सिटी के तहत जो तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है जिससे आवाम काफ़ी परेशान हो चुकी है। धीमी रफ्तार से होते काम और बारिश की वजह से कीचड़, गड्ढे, आधी अधूरे गटारों के काम, ड्रेनेज का अधूरा काम देखकर आवाम के मुंह से स्मार्ट सिटी से बेजारी के जुमले सुनने पड़ रहे हैं। धुआंधार बारिश और अधूरी सड़कों से सवारियों के गिरने की और सवार अस्पताल में दाखिल होने की खबरें बारहा सुनने में आ रही है। वैसे भी किसी अस्पताल में कोरोना टेस्ट के बगैर दाखिला नहीं मिल रहा, पर जख्मियों को अस्पताल ले जाना भी मुश्किल काम बन चुका है। अभी इन अधूरे कामों के लिए कौन जिम्मेदार, इतना तो जरूर है कि स्मार्ट सिटी के कामों से सहूलियत कम और मुश्किलात से गुजरने का इम्तिहान आवाम को ही देना पड़ रहा है। बेलगाम शहर में जितने कोरोना पॉजिटिव मरीज बड़ी तादाद में पाए जा रहे हैं, कोरोना से मरने वालों की तादाद भी काफ़ी है, पर आवाम में आज भी कोरोना का डर दिखाई नहीं दे रहा। आपने देखा होगा कि कोई भी तंजीम एहतजाज करती है तो अक्सर लोगों के ना तो चेहरे पर मास्क होता है ना कोरोना का डर इनके चेहरे पर नजर आता है। लिहाजा धारवाड़ की नहज पर बेलगाम में भी मास्क न पहनने वालों को कोरोना टेस्ट किया जाए। धारवाड़ हुबली DC की जानिब से यह फैसला लिया गया। जो भी शख्स बिना मास्क के पाया जाएगा सबका स्वैप टेस्टिंग किया जाएगा और इस ऐलान के बाद तकरीबन लोगों ने मास्क का एहतमाम करना शुरू किया है। आवाम के जहन में यह भी बात बैठ चुकी है कि सरकारी अस्पतालों में
कोरोना टेस्ट का पॉजिटिव आना या नेगेटिव आना किस्मत का खेल है, कुछ भी रिपोर्ट आ सकती है, पर सेहत महकमा इस इल्जाम को रद्द करते हुए कहा है कि यह कहना गलत है कि मनमानी रिपोर्ट देते हैं। बेलगाम शहर और अतराफ में लापरवाही भी काफी हद तक बढ़ चुकी है। अगर आप बेलगाम जिला के तालुकाओं में देखेंगे तो बाजारों में बहुत कम लोग होंगे जो मास्क पहने नजर आएंगे। इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या इन्हें कोरोना के बारे में मालूम नहीं है? ये लोग कोरोना महामारी से डरते नहीं है। आपको यह भी सुनकर ताज्जुब होगा कि जो लोग मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का ज्ञान बांटते हैं, उमूमन यही लोग इन पर अमल न करते देखा जा रहा है। कई सारे दफ्तरों में यह नजर आपको देखने को मिलेगा। धारवाड़ हुबली डीसी की जानिब से यह हिदायत दी गई है कि संचार पथक का कायम कर जो भी लोग मास्क ना पहन रहे हैं इनका डाटा एंट्री भी की जाएगी। मदनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से बरोसपीर मध्य स्कूल में 10वीं में कामयाब तलबाओं की गुलपोशी का इजलास मुनक्कित किया गया था, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी जनाब अब्दुल गफार घीवाले और बंदा नवाज सैयद, आदम वाटंगी, इकबाल जकाती को मधु किया गया था। स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से मेहमानों का इस्तकबाल और गुलपोशी शालपोशी फरमाई गई। जनाब अब्दुल गफूर घीवाले ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना के दौर में बच्चों ने जिस कदर मेहनत कर नुमाया नमरात हासिल किए वाकई सराहनीय। उन्होंने यह भी बताया कि अलफला बैतुल माल उन जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है जो मेडिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना चाहते हैं। आज कोरोना के दौर में कौम के बच्चों को मेडिकल मैदान में दाखिल होना जरूरी है। तमाम मेहमानों की जानिब से कामयाब बच्चों को बतौर हौसला अफजाई मोमेंटो और गुलपोशी फरमाई गई। मदनी स्कूल SSLC इम्तिहानात में अव्वल नंबर हासिल करने वाली शाफिया बैतुल आबिद अली सौदागर, दूसरा नंबर अम्मारा इम्तियाज देसाई, तीसरा अल्तजीन नासिर अहमद खानापुरी ने अपने ख्यालात का भी इजहार किया। कामयाब तलबाओं के वालिदैन ने भी इजहार ख्याल फरमाया। इस वक्त मदनी स्कूल के रूह रवान जनाब मोहम्मद साहब सैयद तबीयत नासाज होने की वजह से शरीक न हो सके। निजामत के फराइज मदनी स्कूल के प्रिंसिपल जनाब शकील मौकाशी ने अंजाम दिए। आप देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।